एमआयएमचे नेते वारिस पठाण यांनी आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यावर माफी मागण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिलाय. मी जे काही म्हटलंय ते संविधानाच्या मर्यादेत राहूनच म्हटलंय, त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही असं वारिस पठाण यांचं म्हणणं आहे. 100 कोटी हिंदूंवर 15 कोटी मुस्लिम भारी पडतील असं धार्मिक तेढ निर्माण करणारं वक्तव्य वारिस पठाण यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात केलंय. ये भाई साहब, ये इनका एक इमेजिनेशन है. मैंने किस बात में कहा था, आज 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश भारत में, ये बीजेपी वाले उसमें से हमको अलग करना चाहते हैं. अरे हम इस देश का अटूट हिस्सा है, ये देश पे जितना मोदी का हक है उतना ही अधिकार वारिस पठान का अधिकार है. क्यों हमको अलग करने की बात कर रहे हैं? इनके बीजेपी के नेता हर दिन आकर गोली मार देंगे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं. और संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात है. प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रोटेस्ट करिए आप, फिर भी इस तरह की बातें हो रही है. और 4 दिन पहले बात की थी, मीडिया को कंट्रोवर्सी चाहिए था, मीडिया ने कंट्रोवर्शियल बना दिया इसको. अधिकारियों को, हमारी माँ बहनों को अगर इस तरह के अपशब्द बोलेंगे तो गलत है. कोई माफी मांगने की इसमें बात नहीं है. आप पढ़िए, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है. पब्लिक मीटिंग है, लोगों को समझाना जरूरी है कि बीजेपी हमको अलग करना चाहती है. हम ये बता रहे, देश पे जितना अधिकार इस मुल्क पे मोदी अमित शाह का, उतना अधिकार वारिस पठान का भी है. तिने कर्नाटक येथे चेतावणीपूर्ण भाषण दिलेली आहे. आम्ही त्यांच्या या वक्तव्याचा कुठेतरी निषेध करतो. यापूर्वी अकबरुद्दीन अवेसीनी या प्रकारेच भाषणं दिली होती. कुठेतरी समाजामध्ये तीळ निर्माण करून पक्ष वाढवण्याचं काम त्या लोकांनी केलं होतं. पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये, कर्नाटकामध्ये त्याच प्रकारचा पक्ष वाढवण्यासाठी ही सगळी विधानं होत आहे काय? आम्हाला वाटते कुठेतरी भाजप आणि एमआयएममध्ये फिक्स मॅच आधीपासून चालते, त्या मॅचसाठी या प्रकारे लोक बोलत आहे काय हे प्रश्न निर्माण होत आहे. आपके मंच पर ऐसी व्यक्ति आती है और नारे देती है, उसका मतलब आपने इस देश में जहर घोल दिया है. उनके पार्टी के एक नेता जो महाराष्ट्र के है, उसका नाम क्या है, कल वो बात कर रहे थे कि हम 15 करोड़ है, 15 करोड़ है. पठान, वारिस पठान, ये आपकी पार्टी के नेता है ना. आप कहते हो हम 15 करोड़ है, हम सड़क पर उतरेंगे. आप मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को बार बार गुमराह कर रहे हो, जहर घोल रहे हो. आपको ये ठेका किसने दिया इस देश के मुसलमानों का? महाराष्ट्र में आपको कौन पूछता है? फिर अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया तो देखो, हम भी जवाब देने के लिए काबिल. ठीक है, हमारी सरकार है, हम संयम से बात लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुसलमान पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ खड़ा है. और आपको ये अगर अच्छा नहीं लगता तो जिस भाषा में आप चाहते हैं हम जवाब देने को तैयार है. लेकिन सर, अरे भाई, इस प्रकार की भाषा तो ओबीसी के भाई ने भी की थी हैदराबाद में, उसको भी हमने जवाब दिया था. हिंदुस्तान में अपने पार्टी का अस्तित्व क्या है? आप मुसलमानों के नेता नहीं है, आप एक गुट के नेता हो सकते हैं, वो भी आपके साथ नहीं है. मैं मानता हूं इस देश का मुसलमान समझ चुका है कि ये सभी नेताओं ने मिलकर उनके लिए एक ऐसा गड्ढा खोदा है, उसमें डाल रहे हैं. लेकिन अब हमने देखा है इस देश का मुसलमान बहुत ही संयम से काम कर रहा है. खास करके मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा.